एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के रिजल्ट भी चरणबद्ध तरीके से जारी हो रहे हैं। टीआरई 1 तो पूर्ण होके शिक्षकों ने अपना योगदान भी दे दिया है और टीआरई 2 का रिजल्ट अभी चल रहा है, यानी गतिमान है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही अब आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2, अभी ये 2 पूर्ण ही हो रहा है, इतने में बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अपडेट आया है कि बीपीएससी टीआरई में 1,00,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये के पाठक जी ने बयान दिया है, यानी कि जो तीसरे चरण की फिलहाल में ही जो भर्ती होगी उसमें 1,00,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षकों की यह वैकेंसीज बता रहे हैं, जो बहुत शीघ्र होगी। इस वीडियो में हम वही 1,00,000 शिक्षकों की बहाली कब की जाएगी और कौन सी पोस्ट पर की जाएगी, उन सभी को कवर करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें 1,00,000 शिक्षकों की बहाली के लिए के पाठक ने बयान दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए हाल में परीक्षा हुई है, इसके साथ 1,00,000 शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। प्रत्येक साल अगस्त माह में 50,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकलेगी, यानी प्रत्येक साल निकलेगी। यहाँ देखिए 50,000 इन्होंने बताया है और ऊपर उन्होंने लिखा है 1,00,000। यहाँ पर देखिए तो अभी 50,000 कब होंगी, हम ये अभी देखते हैं। इसमें आप सब शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, जो बच्चे कमजोर हैं उनका अतिरिक्त क्लास लें। प्रत्येक शनिवार को छात्र शिक्षक व अभिभावक के साथ सार्थक बैठक करें। श्री पाठक ने शुक्रवार को जिले के छगरहा, सुगाव व डाइट भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने इन सभी में निरीक्षण किया है और प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से बात भी की। एक जो उन्होंने जो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे थे उसका वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए साफ राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में ही ये कहा है कि जो आप नियोजित शिक्षक हैं वो तो आप राज्यकर्मी बन ही जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य को स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी हर साल परीक्षा होगी। यहाँ देखिए वो कह रहे हैं कि आपकी हर साल परीक्षा होगी। इस वर्ष के पास डीएलएड छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी, यानी अब डीएलएड को अनुमति होगी। आप लोग स्कूल जाने की आदत डालें। शिक्षा का पैसा बहुत ही नोबल है, जिन्हें पढ़ाई से नाता नहीं है वे शिक्षक नहीं बने। गांव में रहने की आदत डालें, इससे आपको पेट्रोल व अन्य खर्चे की बचत होगी। अगर शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं तो नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मिशन दक्ष चलाया जा रहा है। कहा है कि हर साल डिग्री लेने वालों को अब प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगी। उन्होंने प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब बयान दिया है तो वादा है। और वैसे भी इससे पहले भी कई बार ये चीज़ आ चुकी है, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी ये बात आई थी कि हर साल वैकेंसी की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मिशन मोड में दोनों ही नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत पाबंदियां कर दी हैं, जिसमें साथ उन्होंने मिशन दक्ष को चलाने की बात की है और जो स्कूल की टाइमिंग है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जब टीचर्स ने जो ये प्रशिक्षण में गए हुए थे पाठक जी, जब टीचर्स ने उन्होंने किया कि 4 बजे का समय कर दीजिए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप अपनी आदत बना लें, गाँव में ही रहें तो आपके खर्चे भी बचेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो तो मिशन बोर्ड में है ही, और साथ में हर साल उन्होंने कह दिया कि जो डिग्री लेने वाले हैं, यहाँ पर जो हर साल डिग्री लेंगे वो हर साल नौकरी भी पाएंगे, यानी हर साल वो वैकेंसी निकालेंगे। अगस्त माह में उन्होंने 50,000 बताई, तो अगस्त माह में बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था एंड देन उसके बाद उन्होंने नवंबर में निकाल दिया था विज्ञापन, और फिर जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो ये अगस्त और नवंबर हम कैसे कह सकते हैं कि अगस्त जो विज्ञापन निकलेंगे ये अगस्त और नवंबर में ही शायद इनका अगला जो होगा 50,000 का वो नवंबर में विज्ञापन जारी हो जाएगा।
इस प्रकार उन्होंने जल्दी ही जो भी अभी अगर मानो अपियरिंग है, बीएड में है, डीएलएड है, साथ में उन्होंने डीएलएड वालों के लिए भी बोल दिया है कि हम शामिल होने के लिए कहेंगे। यहाँ पर देखिए डीएलएड छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो जो भी बीएड डिग्रीधारी हैं, डीएलएड डिग्रीधारी हैं, क्योंकि आपका पोस्ट तीन तीन जगह बनता है, प्रत्येक कैंडिडेट का नहीं। मान लीजिए आप पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं, डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, जेबीटी हैं जो हरियाणा में बोला जाता है, जो पीआरटी के इक्विवेलेंट होता है, तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप, क्योंकि वो तीनों ही पोस्ट पर जो 1 लाख वैकेंसी है उनको निकालेंगे, यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इस प्रकार से वो वैकेंसी निकालेंगे प्रतिवर्ष। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।